जैक और बीनस्टॉक। जैक नाम का एक आलसी लड़का था जो कोई काम नहीं करता था। वो परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में वो माँ और एक गाय था। पैसे न होने की वजह से उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। तो एक दिन जैक बाहर से घूम के घर आके बोला, माँ खाने के लिए कुछ है क्या? मुझे भूख लगा है। जैक की माँ बाहर आके बोली, नहीं आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है घर में। ये गाय भी बुढ़ी हो गई है और दूध भी नहीं दे रही, इसलिए इसे बाजार में ले जाके अच्छे दाम में बेच दो। जैक गाय को लेकर जंगल के रास्ते में जा रहा था कि एक अजीब देखने वाला बूढ़ा उसके सामने में आके बोला, ये गाय लेकर जंगल के रास्ता में तुम कहाँ जा रहा हो बेटा? मैं ये बाजार में लेकर जा रहा हूँ, मुझे पैसा का बहुत जरूरत है। ये गाय मेरे को दो, मैं तुम्हें पैसे के बदले में 3 जादुई बीन दे रहा हूँ, इससे तुम्हारा गरीबी मिट जाएगा। माँ माँ देखो मैं क्या लेके आया हूँ। पैसे के बदले में सिर्फ 3 बीन देकर गुस्से से उसकी माँ ने बीन को फेंक दिया। जैक मायूस होके रात में सो गया। अगले दिन सुबह जैक अपनी खिड़की से बाहर देखा कि एक अद्भुत सा पेड़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैक बाहर आके देखा कि जादुई बीन का पेड़ आसमान तक पहुंच गया है। जैक बीन के पेड़ में चढ़ने लगा। कुछ समय के बाद वो पेड़ के ऊपर पहुंच गया। वहां से एक बहुत बड़ा और सुंदर महल देखा। वो दरवाजे के पास जाके जैक ने दरवाजा खटखटाया। तब एक विशाल औरत ने दरवाजा खोला। मैं बहुत भूखा हूँ। हाँ मिलेगा, लेकिन मेरा पति आने से पहले तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मेरा पति को छोटा बच्चा बहुत पसंद है, वो उसे खा लेता है। भूखा जैक जब खाने के टेबल पर बैठा तब उसने एक डरावना आवाज सुना और डर कर अवन में जाकर छुप गया। वो राक्षस घर में आकर अपनी पत्नी को बोला, बच्चा का खुशबू आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? बहुत दिन हो गए मैं बच्चा का स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। शायद आपको कोई गलत नहीं हो रहा होगा, यहाँ बच्चा कैसे आएगा? खाना हो जाने के बाद वो राक्षस सोने के सिक्के गिनने लगा और कुछ देर बाद वो सो गया। तब जैक अवन से बाहर आया और टेबल के ऊपर उठकर सोने के बैग लेकर जादुई बीन के पेड़ से उतरकर अपनी मम्मी को वो बैग दे दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सारे सिक्के खर्च हो गए। तब जैक उस जादुई बीन के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। राक्षस के महल में जाकर फिर से अवन में छुप गया। राक्षस घर आने के बाद खाना खा के अपनी पत्नी को बोला, वो मुर्गी को इधर लेके आओ जरा, वो मुर्गी को इधर लेके आओ। उसकी पत्नी ने मुर्गी को लाकर टेबल के ऊपर रख दिया। तब राक्षस मुर्गी को बोला, ये अभी एक सोने का अंडा दो। मुर्गी सच में एक सोने का अंडा दिया और जैक अवन से छुपकर सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद राक्षस के सोने के बाद जैक अवन से बाहर आकर उस जादुई मुर्गी को चुरा कर अपने घर ले आया। अगले दिन फिर से जैक महल में जाके अवन में छुप गया। राक्षस घर आके पत्नी को बोला, बच्चा का खुशबू आ रहा है, जरूर घर में कोई बच्चा छुपा हुआ है, एक बार हाथ लगा तो आज खाके ही छोड़ूंगा। यहाँ बच्चा कैसे आएगा? आज भी तुम्हें गलतफहमी हो रहा है। खाने के बाद एक जादुई वीणा बजना शुरू हो गया। तब राक्षस सो गया।
तब जैक फिर से बाहर आके जादुई वीणा को चुरा के ले जा रहा था। अचानक वो वीणा बोली, मालिक बचाओ, मुझे कोई चुरा के ले रहा है। मालिक बचाओ, मुझे कोई चुरा के ले रहा है। वीणा की आवाज से राक्षस उठ गया और देखा कि जैक भाग रहा है। तब राक्षस भी जैक के पीछे भागने लगा। तब जैक तेजी से बीन के पेड़ से नीचे उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे। जैक नीचे आके कुल्हाड़ी लेकर जल्दी से बीन के पेड़ को काटने लगा और वो राक्षस नीचे गिरकर मर गया। आज से तुम लालच नहीं करोगे। आज से इस लालच की वजह से तुम मरते मरते बचे हो। आज से तुम ईमानदारी से काम करो। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अगली वीडियो देखने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को क्लिक करो।